गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स दिया है वर्किंग विद विंडोज, चैप्टर नंबर 6 दिया है। चैप्टर नंबर हमारा जो 5th है वो कंप्लीट हो गया था, पीडीएफ उसकी पहले ही जा चुकी है, इसलिए बस हमारा रिवीजन चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। विंडोज जैसे कि हम कंप्यूटर चलाते हैं तो सबसे पहले जो हमारी स्क्रीन पर प्रोग्राम जो लोड होता है हमारी मेमोरी में, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे हम अपने फ़ोन का स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ अगर फ़ोन कर रखा है स्विच ऑन करते हैं, तो अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड सिस्टम लोड होता है, एप्पल फ़ोन है तो iOS सिस्टम लोड होता है। तो ये जो सिस्टम्स लोड होते हैं इनको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। तो अगर हम मोबाइल कंप्यूटर का को स्टार्ट कर रहे हैं तो कंप्यूटर में जो है हमारा सबसे पहले सिस्टम में प्रोग्राम लोड होगा, वो हमारी विंडोज़ लोड होगी। तो किसी कंप्यूटर में विंडोज़ 10 हो सकती है, विंडो XP हो सकती है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो विस्टा, ये सब क्या है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे विंडोज़ में कैसे हम अपने कंप्यूटर में वर्क करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज अ सीरीज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है एक सीरीज है ऑपरेटिंग सिस्टम की, एंड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोडक्ट बाय द माइक्रोसॉफ्ट। और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोडक्ट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, बिल गेट्स इसके मालिक है, इसने इसको बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस एन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट नेम्ड विंडोज इन नवंबर 1885। तो माइक्रोसॉफ्ट सबसे पहले अगर आई थी, जब इसको डेवलप किया गया था विंडोज़ के नाम से, जब इसको जाना गया इसको 1985 में, एज एन एड ऑन टू MS-DOS इज रेस्पॉन्स टू ग्रोइंग इंटरेस्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो MS-DOS, इससे पहले MS-DOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था जिसमें केवल हम रिटर्न लिखकर ही वर्क करते थे, लिखकर कमांड देते थे। जैसे हमारा सिंपल फ़ोन होता है ना, बेसिक फ़ोन, छोटे वाला फ़ोन, उसमें केवल आप फ़ोन मिला सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, सिंपल टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन फिर हमारा एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पिक्चराइज हो जाता है। तो ऐसे ही सबसे पहले हमारा MS-DOS था। तो MS-DOS से ग्रो हुआ, इसमें इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस डोमेन वर्ल्ड पर्सनल कंप्यूटर मार्केट ओवरटेकिंग मैक ओएस एंड हैड बीन इंट्रोड्यूस 1984 एज अक्टूबर 2009 तक, अभी तक चल रहे हैं जितने विंडोज़ बनी है। तो 1984 में हमारा विंडोज़ आया था। ये विंडोज़ हैड एक्सपोरमेंटली 91% ऑफ द मार्केट शेयर टू क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग द इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू अगर 91% पीपल है जो हमारे विंडोज़ को यूज़ करें आज के समय में। द मोस्ट रिसेंट क्लाइंट वर्जन विंडोज़ इज विंडोज़ 10। सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है विंडो का वो विंडो 10 है। द मोस्ट रिसेंट सर्विस वर्जन विंडोज स्क्रीन इज 2002 R2। द मोस्ट विंडोज मोबाइल OS इज द विंडोज़ 10 मोबाइल। तो विंडोज़ 10 मोबाइल भी आपके मार्केट में अवेलेबल है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं विंडो XP की, जो आई थी हमारी विंडोज़ 99 में, विंडोज़ 99 के नाम से। विंडो XP इज द मोस्टली यूज वर्जन इन द माइक्रोसॉफ्ट विंडो, इट हैज़ द मैनी इंटरेस्टिंग फीचर्स। विंडो XP जो है हमारी बहुत पॉपुलर हुई, सबसे ज़्यादा अगर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, वो है हमारा विंडो XP। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स थे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम डेस्कटॉप की। द डेस्कटॉप, व्हाट यू सी व्हेन योर कंप्यूटर फर्स्ट लोड विंडोज। आप क्या देखते हो जब आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ ऑन हो जाता है? सबसे पहले आप स्क्रीन देखते हो, स्क्रीन पर हमारे जो सामने बहुत सारे आइकन्स रहते हैं, कंप्यूटर होल्डर्स, रिसाइकल बिन, ये सब चीज़ें आती है, वो हमारा डेस्कटॉप। On the desktop, you will find the icons or images that represent program or folders found on your computer. At the bottom of the desktop screen, will you see the taskbar? और सबसे नीचे क्या देखते हो? उसके taskbar देखते हो। The taskbar will display the more program icon as well the many program display program that continuously run on the background while you are working. और display पर यही जो हमारे नीचे taskbar होती है, दो से तीन program अगर खुले हुए हैं, वो सबको दिखाता है कि ये program खुले हैं, background में आपके run है। जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया भी गया है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक खाली डेस्कटॉप है, राइट हैंड साइड में डेस्कटॉप खाली आपको जरूर दिखा दे रहा है, लेकिन नीचे टास्कबार दी है जिस पर बहुत सारे प्रोग्राम आपके खुले हुए हैं। विंडो XP डेस्कटॉप, द स्मॉल पिक्चर्स वी सी ऑन द डेस्कटॉप आर नाउ एज आइकन।
डेस्कटॉप पर जब हम छोटी छोटी पिक्चर्स देखते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं, उसको हम आइकन बोलते हैं। ऑल दीज आइकन ओपन डिफरेंट प्रोग्राम। तो ये जो आइकन है अलग अलग प्रोग्राम्स के होते हैं, इन पर क्लिक करने से अलग अलग प्रोग्राम हमारे खुलते हैं। ए विंडो एक्सपी डेस्कटॉप हैज लिस्ट द फॉलोइंग आइकन। तो विंडो एक्सपी जो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके डेस्कटॉप पर कुछ आइकन्स दिए हैं जो नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले दिया है माई डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है माई डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा, कंप्यूटर्स की जितनी फाइल्स हैं, रिटर्न फाइल्स हैं, वो सब इसी में ही सेव होंगी। द माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर एज यू नो पर्सनल फोल्डर इन योर विच यू कैन स्टोर योर डॉक्यूमेंट्स। तो एक ऐसा फोल्डर होता है माई डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर करते हो। ग्राफिक्स एंड अदर पर्सनल फाइल व्हेन मोर देन वन पर्सन इज यूजिंग द कंप्यूटर विंडोज क्रिएट माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर फॉर ईच यूजर ऑन द डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा कोई और पर्सन कंप्यूटर पे काम करता है आपके अलावा, तो वो अपना फोल्डर अलग से वो बना सकता है। बाय डिफॉल्ट द टारगेट एक्चुअल लोकेशन ऑफ माय डॉक्यूमेंट्स फोल्डर इज सी डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग यूजर नेम माय डॉक्यूमेंट्स वेयर सी इज द ड्राइव व्हिच विंडोज इंस्टॉल एंड यूजर नेम इज करंटली लॉग्ड ऑन द यूजर कैन चेंज द टारगेट इफ यू वांट टू माय डॉक्यूमेंट्स पॉइंट अ डिफरेंट फोल्डर लोकेशन। तो माय डॉक्यूमेंट्स एक ऐसा फोल्डर है जहां पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स सेव रहते हैं, सारी फाइल आपकी सेव रहती है। चेंज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स की लोकेशन चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे। टू चेंज द डिफॉल्ट लोकेशन ऑफ माई डॉक्यूमेंट्स फोल्डर फॉलो दीज स्टेप्स, नीचे कुछ स्टेप्स दिए हैं, इनको आप फॉलो करके चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट दिया है क्लिक स्टार्ट एंड देन पॉइंट ऑफ द माई डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर माई डॉक्यूमेंट्स पर चले जाएंगे। राइट क्लिक माई डॉक्यूमेंट्स एंड देन प्रॉपर्टीज, उसके बाद आपका राइट क्लिक करने से डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज खुल जाएगी। क्लिक द टारगेट टैब इन द टारगेट बॉक्स, डू वन ऑफ द फॉलोइंग। तो टारगेट टैब आपको वहाँ पे मिलेगी, टारगेट बॉक्स आपको खोल लेना है। टाइप द पैथ टू द फोल्डर लोकेशन दैट यू वांट टू क्लिक ओके। फॉर एग्जांपल डी माई स्टफ द फोल्डर हैज नॉट एग्जिस्ट द करंट मैसेज डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले, क्लिक यस क्रिएट द फोल्डर एंड देन क्लिक ओके। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स की लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है हमारे पास माय कंप्यूटर, जैसे कि पिक्चर्स में भी दिखाया गया है माय कंप्यूटर। कंप्यूटर तो कंप्यूटर में तो आपकी सारी चीज़ ही आ जाती है, पूरा कंप्यूटर जो भी उसमें होता है वो सब चीज़ आपको माय कंप्यूटर में ही मिल जाती है। तो क्या कहा है, माय कंप्यूटर अलाउज द यूजर टू एक्सप्लोर द कंटेंट देयर कंप्यूटर ड्राइव्स वेल एज द मैनेज देयर कंप्यूटर्स फाइल। कंप्यूटर्स में जितने भी ड्राइव्स हैं, ड्राइव सी, ड्राइव डी, ड्राइव एफ जो भी है वो सारे आपको उसमें दिख जाते हैं। टू राइट द टॉप इमेज एंड द एग्जांपल ऑफ द माय कंप्यूटर आइकन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विद द इंट्रोड्यूस ऑफ विंडोज विस्टा माइक्रोसॉफ्ट चेंज द ट्रेडिंग माय कंप्यूटर आइकन टू कंप्यूटर। तो विंडो एक्सपी में आपको माय कंप्यूटर लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन विंडो 7 और विंडो विस्टा में आपको माय कंप्यूटर की जगह इसका नाम हटाकर केवल कंप्यूटर कर दिया गया है, केवल कंप्यूटर कर दिया गया है। नेक्स्ट दिया है हाउ टू ओपन माई कंप्यूटर, कैसे हम माई कंप्यूटर को खोल सकते हैं। गो टू द विंडोज डेस्कटॉप, विंडोज डेस्कटॉप पर चले जाइए बिल्कुल स्क्रीन पर सामने। डबल क्लिक ऑन माई कंप्यूटर आइकन, तो माई कंप्यूटर आइकन का जो माई कंप्यूटर का जो आइकन दिखेगा उस पर आप डबल करिए क्लिक। दिस आइकन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज लोकेटेड ऑन द टॉप लेफ्ट पोर्शन ऑफ द डैशबोर्ड, हमेशा ये आइकन हमारे डेस्कटॉप के लेफ्ट हैंड साइड के टॉप में मिलता है। एंड शुड लुक स्मॉलर देन आइकन अबव, और ये आपको कंप्यूटर जैसा ही दिखाई देता है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, खुल जाएगा। नेक्स्ट दिया है माई नेटवर्क पैलेस, माई नेटवर्क पैलेस, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि नेटवर्क पैलेस क्या होता है। माई नेटवर्क पैलेस डिस्प्ले द शॉर्टकट शेयर्ड कंप्यूटर प्रिंटर एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ नेटवर्क, तो ये आपको बताता है कि यहाँ से आप अपने कंप्यूटर से प्रिंटर जुड़ा हुआ है, माउस जुड़ा हुआ है या फिर इंटरनेट जुड़ा हुआ है, सारी चीज़ें जो जो जुड़ी हुई है, जिस जिस जो जो डिवाइस हमारे कंप्यूटर में लगे हुए हैं नेटवर्क से रिलेटेड, वो आपको दिखाता है। द शॉर्टकट आर क्रिएटेड ऑटोमेटिकली इन माई कंप्यूटर व्हेन यू ओपन द नेटवर्क रिसोर्स, तो ये शॉर्टकट अपने आप ही बना रहता है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है। सच एज प्रिंटर शेयर्ड फोल्डर टू ओपन माई नेटवर्क पैलेस क्लिक स्टार्ट एंड देन माई कंप्यूटर अंडर द पैलेस क्लिक माई नेटवर्क पैलेस, तो आपको ये सारी चीज़ें माई नेटवर्क पैलेस में ही मिल जाएंगी। नेक्स्ट दिया है हमारे पास इम्पोर्टेंट फोल्डर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट फोल्डर है रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन किस तरह हमारा इम्पोर्टेंट है, देखिए जैसे हमारे घर में डस्टबिन होता है, क्या होता है हमारे घर में, जैसे
डस्टबिन होता है। तो डस्टबिन में क्या करते हैं हम, डस्टबिन में हम जो हमारी यूजलेस चीजें होती है उसको डाल देते हैं। तो यहां पर भी होता है रिसाइकल बिन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिसाइकल बिन में क्या होता है, जितनी भी फाइल आप डिलीट करते हो अपने कंप्यूटर से वो सारी रिसाइकल बिन में पहुंच जाती है। बाय चांस कोई फाइल हमारे से गलती से डिलीट हो जाती है तो आपको रिसाइकल बिन में आसानी से मिल जाएगी। वहां जाकर आप चाहते हो उसको फाइल को दोबारा हमारे कंप्यूटर में आ जाए, रहती तो कंप्यूटर में ही है लेकिन आप चाहते हैं जहाँ से वो डिलीट हुए वहीं पर आ जाए, उसको हम यूज कर सके, तो आप उस फाइल पर क्लिक करिए और उसको कर दीजिए आप रीस्टोर कर दीजिए, तो आपकी फाइल दोबारा से कंप्यूटर में वर्किंग में आ जाएगी। रिसाइकल बिन इज द आइकन ऑन द विंडोज डेस्कटॉप। ये विंडोज डेस्कटॉप पे आपको आइकन मिल जाएगा। ये डायरेक्टली वेयर डिलीट फाइल आर टेम्परेली स्टोर्ड, तो जो डिलीटेड फाइल होती है टेम्परेली इसमें स्टोर हो जाती है। दिस अनेबल यू टू रिट्रीव फाइल एंड दैट यू मे हैव टू एक्सीडेंटली डिलीट, अगर बाई चांस डिलीट हो जाती है, गलती से डिलीट हो जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, आप तभी तुरंत यू हैव टू प्रोक द रिसाइकल बिन फ्री स्पेस ऑन योर हार्ड डिस्क, तो आप हार्ड डिस्क से उसमें से जाके ले सकते हो। अगर आपको परमानेंटली डिलीट करनी है तो रिसाइकल बिन में जाके भी आप उसे डिलीट कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर आइकन हेल्प टू स्टार्ट द माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर विंडोज दिस यूजफुल सर्फिंग द इंटरनेट। तो इस फोल्डर का यूज, इस आइकन का यूज हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को यूज करने के लिए करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही इसमें, बाकी हम पढ़ाएंगे कल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, पहले भी पढ़ाया है, पीडीएफ इसकी पहले से ही जा चुकी है। अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकता है। थैंक यू।